नमस्कार दोस्तों, आपका फार्मिंग ट्रैक चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर अपनी कद्दू की बेल का ट्रांसप्लांट करेंगे, तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, हम अपनी बेल को यहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर हमें इसका ट्रांसप्लांट करना है। हमें ट्रांसप्लांट करने से पहले अपनी बेल को कैसे चेक करना है कि यह ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है, तो वो एक तरीका है कि जब हमारी बेल के ऊपर ट्रू लीव्स यानी कि तीसरा पत्ता आ जाता है, तब हमारी बेल ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है और हमारी बेल अब ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें अपनी जगह को अच्छी से साफ़ करना होगा और मिट्टी को अच्छी तरह से खोद लेंगे। हमें मिट्टी को बहुत ही मुलायम करना है ताकि हमारी बेल बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से अपनी जड़ों को विकसित कर सके। और हमें मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट, नहीं तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करके उसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला सकते हैं। हमारे पास गोबर की खाद थी, हम उसे का इस्तेमाल करके इसमें मिलाएंगे। हमने गोबर की खाद डाल दी है और अब हम उसे अच्छी तरह से मिला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इससे हमारा हौसला अफजाऊ होता है। और आप हमारी वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। देखिए, अब हम अपनी इन बेल को निकाल लेते हैं हमारे उस जगह से जहाँ पर हमें इनकी प्योत तैयार करी थी। और अब जहाँ पर हमें इन्हें लगाना, वहाँ पर थोड़ा मिट्टी को हटाने के बाद इसे वहाँ पर सेट कर देंगे और चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे। हमें एक जगह पर सिर्फ एक ही बेल को रखना है, इसलिए हम दूसरी बेल को यहाँ से हटा देते हैं और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने सभी पौधों को लगा देते हैं। हम एक गड्ढे के अंदर लमसम तीन या चार ही बेल लगाएंगे, क्योंकि एक या दो बेल खराब हो जाएगी तब भी हमारी एक या दो बेल तो जीवित रहेगी। इसलिए हम यहाँ पर चार बेल लगाने जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बेल के गलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसे मेड़ों पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेड़ों पर बारिश में इसकी बचाव आसानी से हो सकती है। अगर आप किचन गार्डन में लगा रहे हैं तो आप किसी बड़े गमले में भी इसका लगा सकते हैं। और अगर आप इनके बीजों को कैसे उगाएं या इनकी पौध कैसे तैयार करें उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें।